आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेरे आगे सब जगह पे ये देखिए काफी हैवी स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ही हैवी स्नो है यहाँ पे। और मैं जस्ट अभी निकला हूँ बाहर, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे कहाँ जाऊँ क्योंकि बारिश भी ऐसे ही हो रही है, बारिश के साथ में मैं हूँ। आपको एक दो चीज़ यहाँ पे समझा दूँ, अगर आप लोग भी अगर यहाँ पे टर्की आ रहे हैं, इस्तांबुल आ रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो टैक्सी है, टैक्सी वाले का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो आपको चीट करेंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ से एक हाफ एंड किलोमीटर होगा, 500 मीटर का रास्ता होगा मेरे होटल तक जाने का, और मैंने टैक्सी वाले को पूछा तो टैक्सी वाले ने मुझे ड्रॉप किया यहाँ पे और उसने 50 लीरा लिया। हालांकि उसका कॉस्ट होता है एटलीस्ट 10-15। हाँ, मुझे थोड़ा सा मालूम नहीं था कि मेरी होटल कहाँ पे है, तो फिर मैंने यहाँ पे टैक्सी वाले को पूछा तो टैक्सी वाले ने मुझे यहाँ पे छोड़ा, लेकिन इसका कॉस्ट 15-20 की जगह पे उसने 50 लिया और कुछ भी पूछा नहीं और सीधा सीधा चला गया। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वो है लैंग्वेज का। यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है मुझे वो है लैंग्वेज का, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंग्लिश में बात नहीं कर रहा है, ये यहाँ की जो ऑन लैंग्वेज है यहाँ इसी में बात कर रहे हैं। तो मैं भी अभी कोशिश करता हूँ कि मैं कैसे उनसे बात करूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पे अच्छा खाना बहुत अच्छा है, चिकन शावरमा मैंने अभी 12 लिरा यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से हुआ एटलीस्ट 60 रुपीज़, 5 रुपये का भाव चल रहा है तो वो हो गया 60 रुपीज़। और अभी थोड़ा सा बारिश वापस रुक गया है, जब मैं यहाँ पे आया था तब तो इतना सारा हैवी स्नोफॉल था कि मैं थोड़ा सा भी निकल नहीं पा रहा था। अभी थोड़ा कम हो गया है तो मैं बाहर निकला हूँ, थोड़ा चाय नाश्ता कर लूँ और उसके बाद आप लोगों को पूरा टर्की दिखाता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ आज। ये अभी सबसे पहले तो इस्तांबुल कार्ड मुझे परचेस करना है, क्योंकि एयरपोर्ट पे मैं भूल गया था। इसका रीज़न था कि मुझे वहाँ पे सिक्योरिटी ने रोका हुआ था, यानी यहाँ की जो पुलिस है उसने रोका हुआ था, काफ़ी सारी पूछपरछ की। एक्चुअली मेरे जो बैग के अंदर काफ़ी सारा परफ्यूम था, यानी मैंने कम से कम दुबई से 12 बॉटल परफ्यूम की ले ली थी, तो उन्होंने उसी के लिए मुझे रोका हुआ था और पूछा कि इतना सारा परफ्यूम क्या करने वाले हो। तो मैंने आंसर किया वो सब मेरा है, तो उसके बाद मुझे जाने दिया। तो आप लोग भी अगर दुबई से कुछ लेके आ रहे हो तो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे इनका भरोसा नहीं, किसी को भी पूछ लेंगे, किसी को भी रोक लेंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही लैंग्वेज का आने वाला है। तो मैं अभी थोड़ा चाय पीने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इस्तांबुल में क्या क्या देखने लायक है। हेलो गाइस, मैं अभी यहाँ पे हूँ, चाय पीने के लिए आया हूँ ये रेस्टोरेंट पे। एग्जैक्टली मेरे होटल के जस्ट बाजू में ये होटल रेस्टोरेंट है और मैंने अभी एक ऑर्डर दिया हुआ है चाय का, तो मैं आपको चाय दिखाते हैं। ये है मेरी चाय, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ चाय मतलब इंडियन टी आती है जो ब्राउन कलर की आती है, यहाँ पे ये है मेरी टी और मैं उसको टेस्ट करके देखता हूँ। तो ये तो हमारे वहाँ का बिना दूध वाला पानी है, बिना दूध का जो चाय का पानी रहता है वो है, और अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मुझे ये पीना पड़ेगा। तो हाँ, क्योंकि इनको मैं समझाते पागल हो गया था, लास्ट में मुझे किसी ने बोल दिया मुझे इतनी नहीं चाहिए,
तो इन्होंने मुझे एक यही चाय दिया, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं अभी थोड़ा सा ये चाय का मजा लेता हूँ, आप भी मजे लीजिए। मैं अभी बाहर जाता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ सब पूरा। ओके, आप देख सकते हैं वापस से स्नोफॉल चालू हो गया और मैं भी यहाँ पे हूँ। अभी मुझके यहाँ पे कुछ लेके नहीं आया था, सिर्फ एक जैकेट ही मैं लेके आया था। मुझे ऐसा लगा था कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी मार्च का महीना है और बहुत गर्मी है, और मैं दुबई में गया तो दुबई में इससे भी ज़्यादा गर्मी थी। और मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ, तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो पूरा माहौल कैसा है यहाँ पे। ये देखो सामने की साइड में, तो अभी स्नोफॉल वापस चालू हो गया है और मैं यहाँ पे ये शॉपिंग कर लेता हूँ, थोड़ा सा कैप वगैरह, मेरे को गर्म कपड़े कुछ ना कुछ लेने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ कैब लेने के लिए। हेलो सर। हेलो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे सब कितनी सारी कैब है, और मुझे क्या है कि यहाँ पे यहाँ की ठंडी के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं अभी यहाँ पे कोई ना कोई कैब ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाहर तो बहुत हैवी स्नोफॉल है। और ये मेरे होटल के जस्ट बाजू में है, इसके लिए मैं यहाँ से ही शॉपिंग कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैं पहुंच गया हूं स्ट्रीटियाल स्ट्रीट के पास, और काफी हैवी स्नोफॉल हो रहा है। और यहां पे जो पब्लिक, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी, वाह, यानी यहां पे अभी कुछ लगा मुझे कि मैं आ गया हूं टर्की के अंदर। यार बहुत ठंडी लग रही है मुझे तो। ठंडी में गर्मी का एहसास, वाओ क्या लुक है। और ये मैं आपको पूरी स्ट्रीट दिखा देता हूँ, ये देखिए। रात में मजा है। वडा फोन यहाँ पे जो है आपको एक सिम कार्ड लेना पड़ेगा, वो रहेगा 300 लीरा। 300 लीरा इन सेंस मतलब हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से हो जाएगा 1500 रुपया। 1500 रुपया में यहाँ पे रहेगा 20 GB डेटा मिलेगा, 750 मिनट आपको टॉकिंग टाइम मिलेगा, यहाँ का लोकल टाइम मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम आती है, वो है लैंग्वेज की। क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे तो भी कोई सुनने वाला नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज में बात करेंगे सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। या तो ये उनकी टर्किश भाषा बोलेंगे, या तो अरबी भाषा किसी को आती है तो वो बोलेंगे। और हम लोग ये लोग है ना, सबसे पहले तो हम लोग अगर इंग्लिश में कुछ पूछेंगे ना तो जल्दी जवाब नहीं देते। तो उसके लिए मुझे एक सिम कार्ड लेना है यहाँ से, और उसके बाद मैं जाऊँगा, अभी आगे जा रहा हूँ पूरा देखने के लिए मार्केट, फिर उसके बाद जाऊँगा मैं तस्कीम स्क्वायर, वहाँ पे जाके मैं आपको पूरा यहाँ का व्यू दिखाऊँगा। और ये देखिए यहाँ पे अभी, तो वाओ।
टस्किन स्क्वायर, ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है टस्किन स्क्वायर मेन सर्कल। ये छोटे एग्जैक्ट मेरे पीछे है टस्किन स्क्वायर, ये आपको पूरा मैं दिखा देता हूँ। दिस इज टस्किन स्क्वायर। और यहाँ पे जो अभी स्नोफॉल हुआ है, ये एग्जैक्टली मैं सर्कल पे खड़ा हूँ। हेलो सर, ये देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अभी एग्जैक्टली, और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे स्नोफॉल। ये देखिए, आहा, ये देख सकते हैं मेरे पीछे स्नोफॉल कितना हुआ है। यहाँ पे देखिए ये देखिए, अभी मार्च का महीना है और यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ही हैवी है यहाँ पे, और इसके लिए मुझे अभी अभी गर्म कपड़े लेने पड़े। ये मैंने अभी अभी जस्ट कैप लिया हुआ है। आपको मैं दिखा दूँ जो बर्फ यहाँ पे है, वाव, ये मेरे आगे, मैं तो ठंडी में मैं कांप रहा हूँ एकदम से। यहाँ पे ये यहाँ का मेन जो सर्कल है टस्किन स्क्वायर का, ये है। यहाँ पे नजारा देखिए आप, सी द ब्यूटीफुल प्लेसेस। ये देखिए यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे। कितना बर्फ है यहाँ पे, ये देखिए। और हमारे इंडिया में अभी गर्मी चल रही है, ये देखिए। मार्च का महीना है और यहाँ पे बर्फ देखिए, कितना बर्फ है। और हमारे वहाँ इंडिया में अभी सब लोग एसी ढूंढ रहे हैं, मैं यहाँ पे गर्मी ढूंढ रहा हूँ।